हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और अभी रात के बजे 12 को है दिया का बर्थडे, और दिया को दे रहे हैं हम लोग सरप्राइज। और दिया को पता नहीं है सरप्राइज के बारे में। रात के 12 बज रहे हैं और देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह सजाया गया है। और उसकी माँ उसको उठाने गई है, अभी उसको उठा के लेके आएगी, तब तो मैं छुप जाती हूँ। देखिएगा दिया आएगी तो उसको सरप्राइज के लिए। और ये सोच रहा सो ही गया, मेरा सो ही गया, मेरा हौसम। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुद ही तारी बजा रही है। टू यू हैप्पी बर्थडे टू दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू, मे यार देखो मम्मी को सो के मेरे गालों में दाग है, चूड़ियों से ही लगा हुआ है। तो कैसा लगा आपका डेकोरेशन? इट वाज प्रिपेयर्ड बाय मी एंड मौसी। हां दिया बर्थडे गर्ल से पूछो कि कैसा लगा डेकोरेशन, पसंद आया? मस्त मस्त देख रहे हैं मौसी और दीदी का गाने। पिताजी कहां रह गए? चलो पहले विश मांग। पापा का लग ही नहीं रहा कि पापा भी उठे। स्माइल। मम्मी क्या लगेगा? मम्मी के तो यहाँ पूरे यहाँ निशान बने हुए हैं। बहुत दूर है ना पेड़। अच्छे से बड़ी मासूम होने की बैठी। देख रही है कितना बड़ा था, देख रहा है कितना छोटा था। हैप्पी बर्थडे। ये भगवान मुझे चकाने का। सहा सब रात के 12 बजे बेटा, रात के 12 बजे ऐसे ही होगा सकल। केक कट चुका है और अभी टाइम हो रहा है 12:10, और अब हम दोबारा सोने के लिए जा रहे हैं। एक बार सो के देखिए चेहरे पे चीज चूड़ियों के निशान आ गए, अब दोबारा फिर से सो रहे हैं। और तो दिया कैसा लगा आज आपको सरप्राइज जब आपको मिला बर्थडे का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। ये लगा भी नहीं था कि आज सरप्राइज होगी। उसको स्टॉक नहीं था हम सरप्राइज देंगे आपके। तैमिर अब सुबह फिर से नाश्ता हमने कर लिया है, आलू पूरी और रायता।
और मम्मी अभी यहाँ संभाल रही है सामान सब। और हमने रात के बर्थडे के लिए ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया, बुआ की फैमिली और चाचा लोगों की फैमिली को बुलाया क्योंकि अभी कोविड चल रहा है, तो रात के बर्थडे का पूरा डेकोरेशन है। तो अभी बारिश आके भी रुक चुकी है और मम्मियाँ रात के खाने के तैयारी चल रही है, हमारी रात के डिनर की तैयारी चल रही है। और इसमें मैं बनाऊंगी चिकन और सब्जी, अभी सोचा नहीं सब्जी क्या बनाऊंगी। प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं, टमाटर चॉप कर रही हूँ और लहसुन को मैंने चॉप करके पेस्ट बना लिया है। अब देखिए शाम तक क्या क्या बनता है, अभी देखते हैं, कुछ ज़्यादा वो नहीं हुआ पता नहीं है। अब पहले इसका तैयारी कर लेती हूँ। अब मैं 4 या 5 बजे तक तैयार रहूँगी बर्थडे के लिए। देखिए कितने प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं, उसको पकड़ ले फिर जला उसको, फिर डाल दे उसके अंदर जला, तो और कड़ी हो जाएगा पापा। जला ना, हां आप जला जला ले, तू लाइटर जला लिया, माचिस तो नहीं जला पाती तू। बस बंद कर दे, हम डाल दे सीधे। हां केक थोड़ा नजदीक कर लो अपने, हां काट दे। हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday dear Dia, happy birthday to you, may God bless you, may God bless you, happy birthday dear to you. तने पंखा लगा दिया भाई, हाथ से जाओ भाई, जाना नहीं कर रही हूँ। ठीक हो जाएगी क्या, गुदी खा रही थी क्या, गुदी ना इसको उसको अच्छा कर, वहाँ पे कड़े से लिया बस बहुत ज़्यादा जाएगी से नहीं, चलो वहाँ पे फोटो देना चाहूंगी। दिया हाथ से पता, दीदी तो नहीं खा रही, दिया नहीं खा रही, कोई बात नहीं, हाथ से क्या हाथ खा रही, ऐसा ही ब्लॉग में ले लोगे आप। हाँ चाचा सफेद दिख पहन के आया, अरे कितने महंगे कलर करा रखे हैं, वही तो सफेद रंगा, काला तो सर को ही कर लेता है, वही तो कह रही हूँ, काला तो हर कोई कराता है, सफेद करा है। 100-200 और आएंगे व्यूज। क्या बोली मैं, एक साल आप रही हो अभी, ले दियो सबको केक दे। तो हम एंजॉय करते हैं बर्थडे पार्टी को, खाएंगे उसके बाद करेंगे सजा समय, अभी हम और खाएंगे खाओ भाई, खाओ खाओ खाओ, और हम पूरे ड्रेसअप हो चुके हैं अपने घर के कपड़ों में, और साथ साथ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मन करता है ना नए नए ड्रेस पहनेंगे, बट थोड़ा थोड़े देर के बाद अनकंफर्टेबल। ये देखो तो मैं क्या करूँ, दे देना काटने आ रही है, काटे कौन डाल तू, प्लीज।
अभी फिलहाल सब बिजी हैं सैंडी को छोड़। और सब लोग जा चुके हैं, दीदी लोग भी और जंजल लोग भी जा चुके हैं और अब हमारी हो रही सोने की तैयारी क्योंकि थकाई बहुत लग चुकी है। कल 12 बजे भी जो हमने दिया को सरप्राइज़ दिया था उसके बाद फिर दिन भर का काम थोड़ी थकाई लगी है सर, मतलब चली नींद भी बहुत आ रही है और घर की थोड़ी बहुत सफाई होगी। सफाई क्या मतलब किचन के थोड़े बर्तन वर्तन धुल चुके हैं मेन और चीज़ सब, कल अब कल होगी सफाई। तो अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ और आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपको मैं अपने अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।